ठीक है ना, ठीक है ना। यार। यार हाँ ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा यार, ये लोग लड़का लोग बहुत बदमाश है। यहाँ से हम लोग सुन रहे हैं। चलो एक मिनट, थोड़ा नेट का इशू है, हो जाएगा, रुक गया है। ये क्या हो गया? अब दिख रहा है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बहुत, 1 घंटा लगातार क्लास करते हैं तो इतना कंटेंट मिल जाता है ना आप लोगों को, टेंशन मत लो। तो 4 मिनट 5 मिनट जो है थोड़ा बहुत परेशानी होता है, कोई बात नहीं। देखो तो हम ये कह रहे थे कि आपको पहले बताए थे कि प्रोसेस के पास तक बहुत सारे स्टेट होते हैं, इसमें से हम उसी को, उस सारे स्टेट्स को हम पढ़ेंगे। क्या क्या स्टेट होता है आपका? तो न्यू स्टेट होता है, रेडी स्टेट होता है, रनिंग स्टेट होता है, वेट या उसको बोलते हैं ब्लॉक स्टेट, टर्मिनेटर और कंप्लीशन स्टेट, सस्पेंडेड रेडी, सस्पेंडेड ब्लॉक और वेट। कुल मिला के हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास प्रोसेस के कितने स्टेट्स हैं, तो प्रोसेस के पास 7 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। यानी प्रोसेस जो है ना, एक प्रोसेस आपका, उसके पास कई सारे स्टेट्स होते हैं। और एक आपका ऑब्जेक्टिव में चाहे अंतर में हम बताए थे कल कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या अंतर होता है, तो वहां पर बोले थे ना कि प्रोसेस के बारे में बताए थे, प्रोग्राम के बारे में अंतर का एक लिस्ट बनाए थे। उस लिस्ट में आप लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स देखते हैं? हेलो, यस सर, बनाते हैं। तो नेहा जी आप अकेले रिस्पांस दे रही हैं, बाकी लोग रिस्पांस नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि वो नहीं बना रही हैं, बना रहे हैं क्या जी? देखो आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे ना तो ना मेरे मेहनत का कोई फायदा होगा, ना आपके मेहनत का फायदा होगा। इतना जो उंगली पकड़ के पढ़ाने का जो कंसेप्ट है आपको, कि उंगली पकड़ के पढ़ा रहे हैं बाबू, जैसे देखो ये क्या है ये क्या है, इस टाइप से जस्ट लाइक उंगली पकड़ के पढ़ाना हुआ। और आप लोग खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम टाइम में बोलोगे सर कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लास तो ले लिए आप लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो नोट्स बनाओ, और ऐसा नहीं कि मैं नोट्स इसमें नहीं देख सकता हूँ, जूम में मैं आपका नोट्स भी देख सकता हूँ कि आप हमसे झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, पता है ना आपको? नहीं कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसका मतलब है कि मन नहीं लग रहा आप लोग को, नहीं नोट्स बनाते हो। खैर हमारे लिए तो कुछ नहीं है, सेमेस्टर तो पास कर ही जाओगे किसी न किसी पे भी। देखो बाबू हम तो मुंह से ही बोल सकते हैं कि आप लोग नोट्स बनाओ, जिस प्रकार से हम नोट्स बनाए हैं, और जैसे मेरे नोट्स से आप लोग को लगता है कि काम चल जाएगा तो एग्जैक्टली नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये मैं बनाया हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं क्या लिखा हूँ। जब आप अपने से जब बनाओगे नोट्स तो खुद आप समझ में आओगे कि समझ में आएगा आपको कि क्या फायदा होता है नोट्स बनाने से। आप लोग तो नहीं बनाओगे हमको पता है। खैर जो पिछले वाले बैच वाले काफी लड़के लड़के काफी अच्छे थे, उनको जो बोलते थे वो करता था, नोट्स भी सर बनाता था काफी। बनाते चलो हैं। ठीक है, आप लोग नहीं बनाते हो, 10 दिन के बाद अपने आप पता चलेगा कि नोट्स बनाते थे कितना अच्छा होता है, बर्डन नहीं होगा, रोज बना लिया करो। खैर चलो देखते हैं, हम अपना काम की बात करते हैं। देखो प्रोसेस के पास कई सारे स्टेट होते हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेट और ब्लॉक, टर्मिनेशन और कंप्लीशन, सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंसिव ब्लॉक और सस्पेंडेड वेट। सर ये क्या होता है सर? तो अभी आपको समझ में ना आएगा, जस्ट 1 सेकंड रुकिए, सब समझ में आएगा। इस फिगर को देखते हैं कि प्रोसेस के अपने कई, ये फोटो ही उल्टा आ गया है यार। दिख रहा है आप लोग को? हेलो, यस सर। हाँ देखो प्रोसेस के कई सारे स्टेट्स होते हैं। ये क्या होता है सर कि
कि प्रोसेस ना कई भाग, जब कभी भी प्रोसेस का क्रिएट होता है तो उसके कई सारे स्टेट्स होते हैं, अवस्था होते हैं। तो क्या क्या अवस्था होते हैं वो दिखाते हैं। एक होता है आपका न्यू, एक होता है रेडी, एक होता है रनिंग, एक होता है वेट और ब्लॉक, एक होता है सस्पेंडेड रेडी, और एक होता है टर्मिनेशन या इंड। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है सर? तो देखो हम ये बताते हैं, जब कभी भी आपका कोई प्रोसेस क्रिएट होता है ना, तो जैसे ही वो आपका बनता है प्रोसेस कोई, तो वो आपका न्यू वाले स्टेट में जाके जमा होता है, ठीक है ना। वो कहाँ होता है जमा? न्यू वाले स्टेट में जाके जमा होता है। यानी जैसे ही कोई प्रोसेस बना, ठीक है ना, अपने एग्जिस्टेंस और अपने अस्तित्व में आया, तो वो कहाँ जाके जाएगा, कहाँ जाके रहेगा? वो न्यू वाले स्टेट में जाके। और जैसे ही यानी क्रिएशन बोले तो, जब कभी आपका प्रोसेस क्रिएट हुआ तो आपका न्यू वाले स्टेट में रहेगा। और जैसे ही कोई प्रोसेस अब वो क्या करता है, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार होता है, क्या बोल दिए सर? सॉरी, ये हम कह रहे थे कि जब देखो, मान लो यहाँ पर प्रोसेस है आपका, P1 है आपका, देखो इस न्यू वाले के पास P1, मान लो कि प्रोसेस है आपका P1। अब P1 को ना जितने रिक्वायरमेंट हो गए, एक प्रोसेस P1 को 5 की रिसोर्स की जरूरत है, मान लो 1, 2, 3 रिसोर्स को मान लो जरूरत है। एंड प्रोसेस P1 को एक्सक्यूट होने के लिए अगर ये तीनों रिसोर्सेज को फुलफिल हो गया, फुलफिल मतलब जो जो जरूरत थी अपने आप को एक्सक्यूट करवाने के लिए वो सब इसको मिल गया, तो अब वो क्या कहते हैं, वो रेडी में चल जाएगा। कौन से स्टेट में? रेडी स्टेट में। तब ना जाके वो रेडी है, रेडी बोले तो यहाँ पर ना वही प्रोग्राम, सॉरी वही प्रोसेस रहेंगे जिसके सारे रिसोर्स अवेलेबल हो और वो जस्ट एक्सक्यूट होने के लिए तैयार हैं। तो रेडी वाले स्टेट में कौन से ऐसे स्टेट रहेंगे, कौन से प्रोसेस रहेंगे, कि वो प्रोसेस जो क्या कहते हैं, जो जस्ट आप रेडी हैं एक्सक्यूट होने के लिए। अब देखो, अब इसमें भी आपके कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, रेडी वाले स्टेट में भी आपके कई सारे प्रोसेस वहां पर बैठे तैयार रह सकते हैं कि भैया मैं भी तैयार हूँ अब एक्सक्यूट होने के लिए, भैया मैं भी तैयार हूँ अब एक्सक्यूट होने के लिए। तो रेडी वाले स्टेट्स में भी कई सारे प्रोसेस रह सकते हैं और न्यू वाले स्टेट्स में भी कई सारे प्रोसेस रह सकते हैं। कैसे? तो देखो, न्यू में जैसे जैसे प्रोसेस क्रिएट हो रहा है वैसे वैसे न्यू में आते गया, जैसे जैसे अस्तित्व में आया प्रोसेस वैसे वैसे वो न्यू में जाके अपना सब कुछ तय बैठा हुआ है। कहे बैठा हुआ है? क्योंकि भैया जो जो मेरे जरूरत का चीज है वो सब मुझे मिलेगा, तब ना मैं एक्सक्यूट करूंगा, है कि नहीं है? तो ठीक उसी प्रकार आपका, यानी न्यू में भी आपके मोर देन वन प्रोसेस रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार रेडी में भी आपके मोर देन वन प्रोसेस रह सकते हैं। रेडी में खासकर वही प्रोसेस रहेंगे जो जस्ट अब एक्सक्यूट होने वाले हो और जिसके अपने सारे डिमांड, सारे रिसोर्सेज, जो उसकी जरूरत है वो सब उसका, सब उसके पास अवेलेबल है। जितने भी प्रोसेस हैं सब उसके, मतलब सारे प्रोसेस के जरूरत की चीज उसके पास अवेलेबल है। अब उसको बस सीपीयू चाहिए बोले तो रन करने के लिए, बस उसको सीपीयू चाहिए। तो रेडी वाले स्टेट में भी प्रोसेस, मोर देन वन प्रोसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है जस्ट आप लोग इस पर ध्यान दो, जैसे ही कोई प्रोसेस मान लो पी है और जैसे ही कोई प्रोसेस को सीपीयू खाली मिल गया, तो वो क्या करेगा, अब रेडी स्टेट से वो रनिंग स्टेट में जाएगा। रनिंग बोले तो आईएनजी किसी शब्द में लग जाता है, तो क्या होता है, कर रहा है। यानी वो रेडी स्टेट से अब वो कौन सा स्टेट में चल जाएगा, तो वो रनिंग स्टेट में चल जाएगा। यानी जो अब तैयार था आपका कि भैया आप मैं एक्सक्यूट होने के लिए तैयार हूँ, अब वो क्या हो गया, रनिंग स्टेट में चल गया। यानी उसको सीपीयू, यानी उसको अब सीपीयू मिल गया, ठीक है ना, कि उसको सीपीयू भाई साहब को मिल गया, अब वो अपना एक्सक्यूट हो रहा है, यानी रनिंग स्टेट में हो रहा है। अब देखो हो सकता है ना ऐसा, एक मिनट देखो, अब कोई जान लो, मान लो कोई अपना प्रोसेस रनिंग स्टेट में यानी सीपीयू को रन कर रहा है, तो हो सकता है कि तभी ही लाइन कट जाए, नहीं तभी अगर मान लो कि आपका कंप्यूटर का लाइनें कट जाए यानी पावर फेल्यूर हो जाए, हाँ तो लाइन कट जाएगा, तो क्या आपका प्रोसेस जो रनिंग कर रहा है क्या कंप्लीट कर पाएगा? जी नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वो तो आपका वो टर्मिनेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, या और भी बहुत, यानी वो एंड कर जाएगा कि भैया आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ भाई, आप ना किसी ना किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम हो गया,
या ऐसा भी हो सकता है कि आपके उस जो रनिंग कर रहा है प्रोसेस, जो आपका प्रोसेस आपका, एक मिनट यार, देखो ये कहते हैं कि मान लो कि एक कंडीशन ऐसा है कि आपका कोई प्रोसेस रेडी में है और रनिंग में चला गया, और रनिंग में जाते ही उसको ना कोई ऐसा चीज का डिमांड हो गया जो इसके पास अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा मान लो कि उसको ना अब उसको प्रिंट करवाने की जरूरत पड़ गई, कोई पेज को, उस प्रोसेस को कोई पेज को प्रिंट करवाना पड़ गया जरूरत इस बीच में, तो वो क्या करेगा, वो आपका वहां से वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट मारेगा। एक कंडीशन ऐसा भी है कि जब कभी भी कोई प्रोग्राम या प्रोसेस आपका रन कर रहा है उसको उसी वक्त किसी चीज की जरूरत पड़ गई जो उसके पास अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो वो क्या करेगा सीपीयू की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वो फिलहाल सीपीयू को खाली कर देगा, बोलेगा भाई साहब आप किसी और, मतलब रनिंग स्टेट को खाली कर दे, रनिंग स्टेट से वो क्या करेगा, वो चल जाएगा वेट और ब्लॉक वाले स्टेट में, वेट और ब्लॉक वाले स्टेट में। क्यों बोलेंगे हम सर, क्योंकि हो सकता है ना कि उसको जो जिस चीज की जरूरत हो रनिंग करते वक्त उसको ना मिल पाए, तो फिलहाल वो सीपीयू को क्या ही एंगेज करेगा, वो नहीं ना एंगेज करेगा, क्योंकि जब तक इसको मिलेगा नहीं जो इसके अंदर में था वो, तब तक वो आपका क्या होगा, तब तक तो सीपीयू खाली रहेगा, इसलिए वो क्या करेगा आपका चल जाएगा कहाँ से कहाँ, रनिंग से वेट और ब्लॉक की स्थिति में। कहने का मतलब रनिंग से वेट और ब्लॉक की स्थिति में कब जाएगा, जब उसको किसी खास इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपका चला जाएगा रनिंग से वेट और ब्लॉक की स्थिति में। अब एक मिनट, जब वो वेट और ब्लॉक की स्थिति में गई तो एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि जैसे ही उसका वेट और ब्लॉक वाला काम खत्म हुआ, जैसे ही मतलब वो वेट कर रहा था किसी अदर चीज के रिसर्च के लिए, अदर रिसोर्स के लिए वेट कर रहा था, जब उसका वेटिंग खत्म हो गया तो वो अपना काम फिर से करेगा ना, प्रोसेस को खत्म जो उसको असाइन किया हुआ था, तो वो जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया उसका काम, तो वो प्रोसेस आपका फिर से पुनः रेडी स्टेट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट में। अब यहाँ से वापस नहीं जाएगा रनिंग स्टेट में, यहाँ से वापस नहीं जाएगा, ठीक है ना, वो यहाँ से जाएगा कहाँ पर जाएगा, रेडी स्टेट। हाँ, ये यहाँ से आपका रेडी स्टेट में जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक ना, वो रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा। तो हम बहुत बढ़िया, अब हम बात करते हैं कि अब चलो न्यू हो गया, रेडी हो गया, रनिंग हो गया, वेट और ब्लॉक हो गया, टर्मिनेटर हो गया, और एक स्टेट बाकी है आपका, वो जिसको सस्पेंडेड वेट। क्या होता है सर सस्पेंडेड वेट, जैसे उसको भी बताते हैं। सर बोलो, क्या हुआ, बच्चे लोग काफी परेशान कर रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो सर। समझ में नहीं है सर, एक बार और समझा दीजिए ना सर। हाँ बहुत बढ़िया, फिर समझा देते हैं। देखो हम ये कह रहे हैं आपका, फिगर दिख रहा है ना आप लोगों को, फिगर में कोई परेशानी नहीं। देखो ये आपका प्रोसेस के कई सारे स्टेट होते हैं, ठीक है ना, एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट, चार स्टेट, पांच स्टेट, और ये एक्स्ट्रा छः और ये सात स्टेट। तो बोले ना कि हम प्रोसेस के कई सारे स्टेट्स होते हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेट और ब्लॉक, सस्पेंडेड वेट, टर्मिनेटर, टर्मिनेशन और सस्पेंडेड रेडी। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपके जब प्रोसेस क्रिएट होते हैं ना सबसे पहले, यानी जब वो अपने अस्तित्व में आता है, अस्तित्व में बोले तो, जब वैसा प्रोग्राम जो अब अंडर एक्सक्यूशन होने वाली स्थिति में है, अगर एक्सक्यूशन की स्थिति में चला गया तो यानी वो प्रोग्राम आपका प्रोसेस में कन्वर्ट कर गया है कि नहीं है, तो न्यू वाले स्टेट्स में आपके वो प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस को अगर हम बोलेंगे कि वो न्यू स्टेट्स में है, तो क्या समझेंगे कि भैया उस प्रोसेस का क्रिएशन हो गया,
यानी जिस भी प्रोसेस का क्रिएशन हो गया, यानी वो क्रिएट कर गया, तो अब वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, वो कहाँ पर, वो कौन से स्टेट्स में होगा, तो वो होगा आपका न्यू वाले स्टेट में, ना। अब हम बात करते हैं, एक मिनट जरा इसको क्लियर कर दूं। अब बात देखो रेडी वाले स्टेट में, बाकी फोटो सब आप लोग इसको मत देखो, ठीक है ना। फिर इसको इसको इस LTS को क्रिएटेड डिस्पैच शेड्यूल्ड ये इनपुट आउटपुट कम्प्लीशन फिलहाल उस रेड वाले को मत गौर करो, हम जो गौर करवा रहे हैं वो सबको क्लियर करेंगे, ठीक। देखो अब वो आपका आ गया रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में क्या होता है ना कि जब आपका प्रोसेस जस्ट अबाउट टू रनिंग, यानी अबाउट मतलब होता है कि जस्ट अब उसको ना CPU मतलब रनिंग स्टेट में जाने ही वाला है, यानी CPU उसको मिलने ही वाला है, CPU इसको मिलने ही वाले, किसको, रेडी वाले स्टेट। रेडी स्टेट में जितने प्रोसेस रहेंगे ना उसको हम जस्ट आप जस्ट कुछ सेकंड के बाद ऐसा कह सकते हैं मोटी भाषा में कि वो रनिंग स्टेट में जाने वाला है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उस प्रोसेस से हम कौन से स्टेट में है, तो रेडी स्टेट में है। तो रेडी स्टेट में नाम से ही क्लियर है कि मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, बस अब मुझे एग्जीक्यूशन होना ही है। तो रेडी वाले स्टेट में वही चीज़ आपको रहेंगे जिसको सारे रिक्वायरमेंट जरूरत का चीज़ को मिला हुआ है, यानी रिसोर्सेज उसको मिला हुआ है कि नहीं। रिसोर्सेज मतलब क्या कि जो जो उसके उसको एग्जीक्यूट होने के लिए जो जो उसका डिमांड है, जो जो डिमांड है वो उसके पास अवेलेबल है, तो वो आपका वैसे प्रोसेस कौन से स्टेट में रहेगा, हाँ, तो वो वैसे प्रोसेस आपका रेडी स्टेट में रहेगा। नाम से क्लियर है कि वो रेडी है आपका, कि जस्ट उसको अब वो एग्जीक्यूट होने ही वाला है। तो रेडी स्टेट में क्या, रेडी स्टेट में आपको वही प्रोसेस रहेगा कि भैया अब मैं बस रेडी मतलब तैयार हूँ रन करने के लिए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे इस रेडी स्टेट में आपके मोर देन मोर इस रेडी स्टेट में जस्ट रुको बाबू, इस रेडी स्टेट में आपके बहुत सारे प्रोसेस हैं, मान लो P1 P2 और रेडी स्टेट में आपका P3, ठीक है ना। अब इसमें से कोई एक जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली शेड्यूलर्स को बोलते हैं जो शेड्यूलिंग का काम करता है आपका, तो मान लेते हैं कि इस P1 P2 को चुना और P2 को इसको इसमें भेज दिया, तो शेड्यूलर करता है काम, जस्ट अभी क्लियर कर रहे हैं। तो भैया इसमें आपका रेडी स्टेट में P1 था, P2 था, P3 था, तो P2 को चुना और इसमें भेज दिया। अब बोलोगे सर कैसे चुन लिया, हम P1 को भी चुन सकते हैं, एक्चुअली चुन सकते हैं, कहाँ नहीं चुन सकते। तो यहाँ पर काम आएगा आपका प्रायोरिटी, प्रायोरिटी यहीं पर आपका आप काम आता है प्रायोरिटी के, भैया मेरे पास तो रेडी तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये भी आपका P1 भी रेडी है, P2 भी रेडी है और P3 भी रेडी है, तो मैं P2 को ही क्यों चुना। तो हम बोले ही जब कभी भी आपका प्रोसेस क्रिएट होता है, जब कभी अस्तित्व में आता है, उसी वक्त उसका प्रायोरिटी डिफाइन कर दिया जाता है, तो इसलिए आपका इस P2 को पहले लाया गया था। तो ऐसा मान के चले थे कि P2 का हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया था। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडी वाले स्टेट से आपका कोई अगला जो स्टेट आता है ना वो रनिंग वाले स्टेट में जाता है, पहले न्यू उसके बाद रेडी उसके बाद रनिंग, ठीक है ना। अब यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया इस तीनों के बारे में, इस दोनों के बारे में कम से कम। यस सर। अब देखो अब क्या है ना कि अगला स्टेट है आपका रनिंग स्टेट है, ठीक है, कि जैसे कोई प्रोग्राम या प्रोसेस उसका रेडी स्टेट में था, अब उसको CPU एलोकेट हो गया, तब वो कौन से स्टेट पहुंच गया, रनिंग ING। जैसे आप रीड कर रहे हो, रीड में ING लग गया, तो यानी वर्तमान में आप पढ़ रहे हो ना जी, ING लगने से, ठीक उसी प्रकार रनिंग है कि यानी वो प्रोसेस अब इस स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, तो हम ये समझेंगे कि वो प्रोसेस रन कर रहा है, यानी उसको CPU मिल गया है, ठीक। तब हम बताते हैं आपको एक चीज, हमको बताओ आप लोग, क्या प्रोसेस अगर रन कर रहा है तो रन करते वक्त एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस हो सकता है रन करते वक्त, हाँ, एक ही टाइम में? तो हम बता दें आपको, एक ही टाइम में कोई ही, एक ही टाइम में मोर देन वन चीज नहीं रह सकता है, ठीक है ना। अगर आपको एक, मैं आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी बताऊं आपको, कि बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना कि सर हमारा कंप्यूटर मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका एक टाइम में बहुत सारे काम हो रहा है, जी नहीं, एक टाइम में बहुत सारे काम कर ही नहीं सकता है CPU एक टाइम में एक ही काम करता है, बस फर्क यही होता है कि वो काम नैनो सेकेंड में कर देता है, तो हमको लगता है ना कि वो एक सेकेंड में
500 काम करता है, 1000 काम करता है। हाँ करता है वो, 1 सेकंड में 500 काम और 1000 काम, बस वो एक मतलब 1 सेकंड के 1 लाख वाले हिस्से में भी ये काम खत्म कर देता है। यानी इतना फास्ट है ना कि हमको लगता है कि 1 सेकंड में ही सारा काम कर रहा है, और एक्चुअली आपका एक्चुअली 1 सेकंड में वो हजारों काम कर लेता है, लेकिन एक इंस्टेंट पर वो एक ही काम को करता है। ठीक है ना, तो हम ऐसा कभी ना कहेंगे आज के बाद कि हमारा सीपीयू या बोले तो प्रोसेसर एक समय में बहुत सारे काम को करता है। जी नहीं, वो एक सेकंड में समय में एक ही काम को करता है, बस इतना फास्ट करता है कि हमको लगता है कि वो बहुत सारे काम करता है। जैसे एक एग्जांपल बता सकते हैं आपको, देखो आपका एक कंप्यूटर है, जब आप विंडोज खोलते हैं, गूगल क्रोम खोलते हो, तो यहाँ पर टास्क बार रहता है और यहाँ पर पेज 1 रहता है, यहाँ पर पेज 2। इमेजिन कर पा रहे हो, पेज 1 पेज 2 नहीं होता है लैपटॉप में? Yes, sir. तो एक बात होता, मान लो कि इस पर काम कर रहे हो, मान लो तो ये वाला पेज आपके पास स्क्रीन पर खुला हुआ है, यहाँ पर ये होता है ना जी, तो वर्तमान में यही वाला पेज काम कर रहा होता है, ये वाला वो सिर्फ खुल के ही रहता है, खुला हुआ ही रहता है, उसके बाद का कोई काम नहीं होते रहता है। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीपीयू जो ना मेरा कंप्यूटर प्रोसेसर एक टाइम में एक ही काम करता है, बस वो इतना फास्ट करता है कि हमको लगता है कि वो 1 सेकंड में हजारों काम कर रहा है, या 500 काम कर रहा है, या 10 काम कर रहा है। ठीक ना, तो इसीलिए आपका लॉजिक यही है कि रनिंग करते वक्त आपका कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में आपका केवल और केवल आपका एक ही प्रोग्राम मतलब सॉरी एक ही प्रोसेस वहां पर रनिंग स्टेट में रहेगा। रनिंग स्टेट में आपका अगर एक ही प्रोसेस रहेगा रनिंग स्टेट में, अगर हमें बोल लूँ कि 2 रहता है 3 रहता है, तो जी नहीं, 2 और 3 ना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ठीक ना, तो रनिंग स्टेट में कैसे प्रोसेस को रनिंग स्टेट में कहेंगे, यानी जिसको सीपीयू एलोकेट हो चुका है उसको बोलेंगे कि प्रोसेस अब रनिंग स्टेट में है। ठीक, यस सर। अब देखो अगला क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन आपके 2 कंडीशन में हो सकते हैं, क्या कि एक मिनट इसको देखो जरा जूम करके, कि वो सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल कहने का मतलब कि आपका काम खत्म हो गया, जिस काम के लिए उस प्रोसेस को आपने क्रिएट किया था, वो काम अपना रनिंग काम कंप्लीट कर दिया, अपना मेन पर्पस वाला काम, तो अब पर्पस काम खत्म हो गया, तो वो सीपीयू को काहे अपना ऑक्यूपाई कर रहेगा, इस सीपीयू को मान लो काहे अपना छाप के रखे रहेगा वो, तो वो टर्मिनेट कर जाता है। और एक कंडीशन और है आपका कि रनिंग करते वक्त ही आपको मान लो कि रनिंग करते वक्त ही उसको किसी चीज की जरूरत पड़ गई। ठीक है ना, मान लो किसी चीज की उसको जरूरत पड़ गई और उसकी वो जरूरत उस टाइम उसको पूरा ना हुआ, उसकी ये जरूरत उस टाइम उसको पूरा ना हुआ, तो क्या जब तक जरूरत पूरा ना होगा, क्या तब तक वो सीपीयू को ऑक्यूपाई बोले तो छाप के रखे, तो क्या ये अच्छी बात है? हेलो, क्या सर फिर बोले तो? हम ये कह रहे हैं कि देखो कोई रन कर रहा है कोई प्रोसेस, ठीक है ना, उसको कोई सी खास रन करते वक्त ही ना उसकी किसी एक चीज की जरूरत पड़ गई, रिक्वायरमेंट पड़ गई कि भैया हमको ये चीज का डिमांड है, तो जब तक उसका डिमांड पूरा ना हो, तो क्या तब तक वो सीपीयू को छाप के रखे रहेगा, होल्ड पकड़ के रखे रहेगा, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, कतई अच्छी बात नहीं है। तो वो उस सबसे बढ़िया क्या होगा, तो भैया हमको सीपीयू का यूटिलाइजेशन करवाना है, तो वो क्या करेगा कि भैया हम इस सीपीयू को खाली कर देते हैं और हम अपना जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं होता है कि हमको किस चीज की जरूरत है, तब तक हम उस चीज का वेट करते हैं। ठीक है ना, और इसी को वेट स्टेट बोलते हैं या ब्लॉक स्टेट बोलते हैं। और ये अच्छी बात है कि भैया जब तक हम वेट करेंगे, तो हम ये बात जानते हैं ना कि भैया सीपीयू में एक ही समय में एक ही प्रोग्राम रह सकता है, नहीं, तो जब तक हम किसी और चीज का वेट करते रहेंगे, यानी रनिंग स्टेट में बैठे हुए हैं तो दूसरा वाला तो आ ही नहीं पाएगा ना, दूसरा वाला तो आएगा ही, दूसरे का रास्ता ही ब्लॉक रहेगा ना, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा भैया आपको कुछ अगर इस प्रोसेस के अंदर कोई प्रोसेस रन कर रहा है, उसको किसी का डिमांड पड़ गया, मान लो इंफ्रा को डिवाइस का डिमांड पड़ गया, तो वो अपना वेट वाले स्थिति में पहुंच जाएगा, यानी वेट वाले क्या बोलते हैं उसको, वेट वाले स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक ना, वो वेट करते रहेगा और इस सीपीयू को अपना वो हाँ इसी को बोलते हैं वेट और ब्लॉक बोलते हैं। बहुत बढ़िया, अब जैसे ही उसका डिमांड इस वेट वाले कंटिन्यू स्टेट में उसका डिमांड पूरा हो गया,
वो पुनः वो रेडी स्टेट में जाएगा, ना कि वापस जाएगा रनिंग स्टेट में। वापस इसलिए नहीं जाएगा कि वापस जाते ही उसको, जब वो सीपीयू को छोड़ के आया था तो सीपीयू को छोड़ के इसलिए आया था ना कि उसको किसी और को मिल सके सीपीयू, तो उस वक्त उसको तो कोई और रहेगा वहां पर घुसा हुआ, वापस जाएगा तो उसको फायदा होगा क्या? हेलो यस सर। लेकिन सर वो तो काम कर लिया होगा ना सीपीयू जो पहला वर्क कर रहा हुआ तो। तो नहीं, हम ये कह रहे हैं ना आपको कि सीपीयू रनिंग प्रोसेस रनिंग स्टेट में जब कोई प्रोसेस आपको पता है कि भैया इसको मान लो कि इसमें P1 घुस अंदर में था, उसको किसी खास की जरूरत पड़ गई तो वो चला गया वेट स्थिति में, तब ये P1 तो भैया खाली हो गया, ये मतलब ये तो है नहीं इसके अंदर में, ठीक उसी टाइम में कोई दूसरा आ गया। काहे आ गया? क्योंकि हमको सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा करवाना ना, जितना ज्यादा काम करेगा सीपीयू उतनी बेहतर है, तो इसके अंदर में कोई दूसरा चला गया P2 मान लो। अब ये P1 यहाँ पर आ गया है, जब P2 अपना एक्सिक्यूट कर रहा है तो अपना एक्सिक्यूट कर रहा है, चलो कुछ समय के बाद पता चला हमको कि P1 का काम खत्म, P1 का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, तो अगर वो वापस जाता है, जैसे ही वो वापस जाएगा तो हो सकता है ना कि P2 अभी भी काम करता रहे, है कि नहीं? P2 अभी भी काम करता रहे, या मान लो कि P2 अपना काम खत्म करके चला भी गया, P2 अपना काम खत्म करके चला भी गया, टर्मिनेट भी कर गया, तो क्या क्या गारंटी है कि भैया इसमें ये खाली, ये तो कभी तो खाली रहेगा नहीं, तो अगला तो फिर तो आ जाएगा ना इसमें से, रेडी मशीन से आ जाएगा ना जी। यानी हमको हमेशा तो हम ये देख रहे हैं ना कि जब आपका P1 वापस जाएगा, जब P1 जाएगा तो इसको कभी भी खाली मिल भी नहीं करेगा। क्या नहीं मिलेगा, जरा एक मिनट रुक जाओ, ये आपका ये कभी आपको जब भी वापस जाएगा ना, कौन था P1, जब ये वापस जाएगा इस ऐसी स्थिति में तो उसको कभी खाली मिलेगा ही नहीं, इसलिए वो यहाँ ना जाके इस रास्ते से न जाके वो इस रास्ते को फॉलो करता है, रेडी में जाएगा। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भैया वेट और ब्लॉक वाली स्थिति में कोई प्रोसेस रहता है तो उसके बाद क्या वो रनिंग में जाता है कि क्या वो रेडी में जाता है, तो आप आंसर क्या करोगे भाई साहब? वो रेडी में जाता है, रेडी में जाता है, ठीक ना? यस सर। अब बात खत्म, अब हो गया। अब देखो टर्मिनेटर को जान गए, टर्मिनेशन मतलब जब उसका सक्सेसफुली कोई प्रोसेस कंप्लीट कर गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई रिक्वायरमेंट आ गया तो वेट वाली स्थिति में चला गया, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बच्चा बताते हैं, रुक बताते हैं। अब देखो जब कोई प्रोसेस अपना वेट कर रहा है ना, तो क्या होता है ना कि देखो इसमें आपका ये वेट कर रहा है, मान लो तो कि अभी से ये को प्रोसेस नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं, P1 थोड़ा स्पष्ट बता दो इसको। देखो इस वेटिंग में आपका P1 पड़ा हुआ है, वेटिंग में आपका P2 पड़ा हुआ है, वेटिंग में आपका P3 पड़ा हुआ है, वेटिंग में आपका P4 पड़ा हुआ है, यानी चारों का अपना कुछ अपना अलग अलग डिमांड के हिसाब से अपना सब बेचारा वेट कर रहा है, ठीक है ना? इसमें से क्या होता है ना कि मान लेते हैं P4 को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ गई, यानी ऐसे रिक्वायरमेंट हो गई, ऐसे रिसोर्स की जरूरत पड़ गई ना कि इसका डिमांड पूरा होने में लगभग बहुत समय लग जाए, तो क्या होगा? तो भैया सब तो अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करके वेट करेगा जल्दी जल्दी, लेकिन ये P4 जो है बेचारा बहुत लंबे समय से है, तो भैया P4 जो लंबे समय तक वेट कर रहा है तो किसी को वेट करवाने से बेहतर है कि भैया हमको पता है कि P4 को बहुत काफी लंबा वक्त लगता है, तो ये सब ना हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि भैया इस P4 को ना काफी लंबा वक्त समय लगने वाला है इसको प्रोसेस को, इसकी रिक्वायरमेंट पूरा होने में, तो वो क्या करता है उस P4 को भेज देगा, भाई साहब तुम चले जाओ, सस्पेंडेड मतलब होता क्या होता है हिंदी में, लटकना, सस्पेंड मतलब होता है लटकना जी। यस सर। हां यस सर। हां तो आपको तो वो आपका सस्पेंडेड वेट में चला जाता है, यानी जो वेट वाले वेट में आपका कर रहा था, P1 भी वेट कर रहा था, P3 भी वेट कर रहा था, ये P1 है, ये P2 बहुत सारे वेट कर रहा था, उसमें से भी चुन लिया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ने कि भाई साहब इस P4 को ना काफी वक्त लगने वाला है इसका रिक्वायरमेंट पूरा होने में, तो अब उसको क्या करेगा, भाई साहब तुम काहे इतना परेशानी झेलेगा, तुम चले जाओ सस्पेंडेड वेट में, कहां चले जाओ तो सस्पेंडेड वेट में, यानी उस P4 को भेज देगा भाई साहब सस्पेंडेड वेट में, सस्पेंड वेट उसको बोलते हैं लटकना जिसको बोलते हैं ना उसको, ठीक है? अब वहां से जहां सस्पेंड वेट में चला गया, और सस्पेंड वेट में जैसे ही उसका जो काफी समय के बाद जब वो उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो गया तो ये आपका सस्पेंड रेडी में चला गया, यानी ऐसा एक वर्ड लगा दिया सस्पेंड इसलिए किसे समझ में आए सामने वाले को कि ये ऐसा प्रोसेस है ना जिसका डिमांड काफी लेट पूरा हुआ था, जिसके रिक्वायरमेंट काफी
जिसकी रिक्वायर एक मिनट जिसकी रिक्वायरमेंट काफी लेट पूरा हुआ था, तो एक ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। हालांकि ये सब जे लेवल का है बाबू, ऐसा नहीं है आप लोगों का मतलब, जैसे हम लोग को बीटेक में होता है इस तरह से क्वेश्चन इतना ना पूछेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन गीला में पूछता है, सेमेस्टर में तो ना पूछेगा, सेमेस्टर में यही पूछेगा, एक गो दो गो तीन गो चार गो इसके पांच के बारे में चर्चा करता है, इस दोनों के बारे में सेमेस्टर चर्चा नहीं करता है, चर्चा करता है इसको एग्जाम में, नौकरी वाला एग्जाम में, जो भी आपका नौकरी वाला एग्जाम होता है उसमें इसका चर्चा करता है। फिर ये बताना मेरा जरूरी है, बताना काम है। तो हम ये कह रहे हैं आपको कि सस्पेंड वेट से आपसे पूछेगा कि भाई साहब आप बताओ कि सस्पेंड वेट के बाद क्या वो न्यू में जाता है कि रेडी में जाता है, तो जी नहीं, सस्पेंड वेट के बाद वो ना सस्पेंड रेडी में जाता है, ठीक है ना, ना इसमें जाता है ना इसमें जाता है, इसमें जाता है। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई साहब सस्पेंड वेट में कोई प्रोसेस है, सस्पेंड वेट वाली स्थिति में है, स्टेट में है, तो वो कौन से स्थिति में जाएगा अगली बार, तो वो सस्पेंड रेडी में जाएगा। क्या हाँ क्या क्लियर है? यस सर। जरा एक मिनट पानी पी लूं। चलो अब देखो, जो हम बात आपसे बोले थे कि आप रेड वाले पर ध्यान मत देना, आप उस पर ध्यान दे सकते हो। देखो यहाँ पर LTS इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, L मतलब होता है आपका लॉन्ग, ठीक है, T मतलब होता है आपका टर्म, और S मतलब होता है शेड्यूलिंग, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब होता है आपका लॉन्ग टर्म सीडलिंग, LTS का मतलब लॉन्ग टर्म सीडलिंग। ये क्या करता है सर, ये लॉन्ग टर्म सीडलिंग क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म सीडलिंग को ना हम एक तरह से जॉब सीडलर भी बोल सकते हैं। सीडलर क्या होता है सर, सीडलिंग क्या होता है, तो ये सब ना सीडल शेड्यूल जैसे नहीं होता है कि भैया आपका आपका एग्जाम का क्या शेड्यूल है, तो उसका शेड्यूल का मतलब क्या आप लोग कह सकते हो, जरा बताओ मुझे। मतलब रूटीन जो होता है ना सर। हाँ कि भैया ये काम ये काम ऐसे होने वाला है, ये काम ऐसे इस प्रकार से होगा, यही ना। यस सर। तो यही है आपका, एक मिनट सॉरी यार, ये बार बार फोटो से PDF बनाए थे ना, तो ये थोड़ा एंगल रोटेट नहीं किए थे, इसलिए इस बार 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 हो जा रहा है, मैं अपना ही एंगल ठीक कर रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म सीडलिंग का क्या काम होता है, तो देख ही रहे हो न्यू के और रेडी के बीच में है आपका लॉन्ग टर्म सीडलिंग, तो लॉन्ग टर्म सीडलिंग का काम क्या है आपका, इसको जॉब सीडलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉब एक नाम है आपका जॉब सीडलर, CDULER जॉब सीडलर बोलते हैं इसको। इसका क्या काम है, तो ये ना एक्चुअली न्यू प्रोसेस को आपका जो भी है आपका नया वाले में नया नया जो क्रिएट किया हुआ है ना प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्रिएट करना और फिर से उसको क्रिएट करके न्यू वाले स्टेट में ला के खड़ा करना लॉन्ग टर्म सीडलर का काम है। क्या काम है इसका, कि इट इज रिस्पॉन्सिबल है आपका क्या, क्रिएटिंग और ब्रिंगिंग, क्या करना, क्रिएटिंग कि भैया नए प्रोसेस को क्रिएट करना और ब्रिंग करना कि भैया कहाँ पर लाना है, तो न्यू वाले स्टेट में, ठीक है ना, आपके सिस्टम को नया मतलब जो भी प्रोसेस है आपका उसको क्रिएट करना और उसको लाना आपके सिस्टम में, तो ये सब आपका कौन करता है, लॉन्ग टर्म सीडलर। तो नाम से भी क्लियर है और कॉमन सेंस ये लगा सकते हैं कि भैया किसी प्रोसेस को क्रिएट करना काफ़ी टफ काम है, इन द सेंस ऐसा समझो कि भैया क्रिएट करना और उसको सिस्टम के अंदर लाना वो किसका काम है, तो लॉन्ग टर्म सीडलर का काम है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म सीडलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, और हम बोले एक ऐसे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि यह आपका न्यू से न्यू में जितने भी प्रोसेस को लाने का काम करता है ना न्यू वाले स्टेट में, जितने भी प्रोसेस है, प्रोसेस P1 को, प्रोसेस P2 को, प्रोसेस P3 को, प्रोसेस P4 को, ये सब जो आपको प्रोसेस P1 को क्रिएट करके, प्रोसेस P2 को क्रिएट किया गया, प्रोसेस P3 को क्रिएट किया गया, प्रोसेस P4 को क्रिएट किया गया, सब क्रिएशन का काम कौन करता है,
तो प्रोसेस को क्रिएट करने का काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म क्रिएटिव सेलर, ठीक है ना? हाँ, तो यही आपका क्रिएट करता है, क्रिएट करता है और सिस्टम में आपको, सिस्टम में आपको लाता है। कौन लाता है आपका? तो इसको लॉन्ग टर्म सेलर। अब एक बात बताते हैं आपको, जैसे ही हम आपका कंप्यूटर में दो प्रकार का मेमोरी होता है, एक होता है आपका मेन मेमोरी और एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ये बात जानते हैं? तो मेन मेमोरी में जो है ना आपका वही मेन, देखो सेकेंडरी मेमोरी में जो चीज़ रहता है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, ये तो पता है ना आपको जी, पिछले क्लास में बताए थे। यस सर। हाँ, और जो आपका मेन मेमोरी में रहता है, यानी मेन मेमोरी में वही रहता है ना जो जस्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, यानी अंडर एग्जीक्यूशन में है, यानी एक्टिव। तो एक्टिव प्रोग्राम को ही हम एक्टिव प्रोग्राम को ही हम प्रोसेस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? यस सर। हाँ, तो यही है। हाँ, तो यही कह रहे हैं आपका कि ये ना आपका सेकेंडरी मेमोरी से उठा के, जिस सेकेंडरी मेमोरी से उठा के, सेकेंडरी से उठा के अगर मेन मेमोरी का काम करता है कौन? देखो सेकेंडरी मेमोरी में तो पैसिव रहेगा ना, निष्क्रिय अवस्था में कोई प्रोसेस प्रोग्राम है, इसी को उठा के लाया मेन मेमोरी में, यानी उसको एक्टिवेट कर दिया, यानी एक्टिव बना दिया, यानी उसको प्रोसेस को उन्होंने क्रिएट कर दिया। तो यही काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है ना? तो वो सेकेंडरी मेमोरी से उठा के, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है ना? डिवाइस भी बोलते हैं या डिस्क भी बोलते हैं इसको। डिस्क से उठा के कहाँ पर लाता है आपका? मेन मेमोरी में। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का क्या काम होगा, समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, अब देखो, अब एक है वर्ड यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर दिख रहा है ना, STS? यस सर। इसका फुल फॉर्म होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जैसे लॉन्ग टर्म का होता है तो उसी का होता है आपका शॉर्ट टर्म सिस्टम शेड्यूलर। शेड्यूलर, शेड्यूलर बाबू, शेड्यूलर सर, शेड्यूलर। हाँ, शेड्यूल से बनाया शेड्यूलर, ठीक है ना? CDULER, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। इसका क्या काम होता है सर? तो बहुत आसान काम है इसका। ये क्या करता है ना, रेडी वाले जितने भी प्रोसेस रहते हैं ना रेडी स्टेट में, उसमें से ये को चुनता है और भेज देता है रनिंग स्टेट में। कितना बहुत आसान, बस इसीलिए इसका नाम पड़ गया हमको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो यानी इसमें से आप रेडी में, तो मेरे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी में, मेरे पास तो मोर देन वन प्रोसेस रहते हैं रेडी कि भैया मुझे भी एग्जीक्यूट करना है, मुझे भी एग्जीक्यूट करना है। तो इन सभी में से उन्होंने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कहता है, मान लो P3 को चुना और P3 को भेज दिया कहाँ पे, तो रनिंग वाले स्टेट में भेज दिया, ठीक ना? तो वो क्या करता है, वो क्या करता है इसमें से रेडी में से रनिंग में भेज देता है किसी को चुन के, ठीक? तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है आपका, ये रिस्पॉन्सिबल है कि क्या, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो भैया एगो सेलेक्ट करना है इसमें से और उसको रनिंग में भेज देना है, फिर एगो को सेलेक्ट करना है उसमें से रनिंग में भेज देना है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का क्या काम हो गया? तो उसका काम हो गया कि भैया रेडी स्टेट में से, REA रेडी स्टेट में से रनिंग में भेजने का काम। तो इसका भी हम लोग देख लिए, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम भी देख लिए। क्या कोई दिक्कत शॉर्ट टर्म STS को समझने में, कोई दिक्कत शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को समझने में? नहीं सर। अब है एक आपका है मिड टर्म शेड्यूलर, ठीक है ना? देखो यहाँ पे MTS मिड टर्म शेड्यूलर, इसका नाम क्या है आपका, M से होता है मिड, ठीक है ना? T सब में कॉमन है, T का मतलब होता है टर्म, ठीक है ना? S का मतलब होता है शेड्यूलर, ठीक है ना? शेड्यूल से ही बना है, जो शेड्यूलिंग का काम करता है उसको शेड्यूलर बोलते हैं, ठीक है ना? डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में। तो देखो ये MTS का क्या करता है, मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये क्या करता है ना, जो भी आपका सस्पेंड कर, किसको सस्पेंड करना है, मतलब जो वेट और ब्लॉक में बहुत सारे प्रोसेस हैं रहते हैं, P1 है अपना वेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, P2 प्रोसेस किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, P3 किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, P4 किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, तो इन सब में से किसको सस्पेंड वेट में डालना है और किसको नहीं, वो चूज करता है कौन, MTS।
सर ठीक है ना, फाइल को सस्पेंडेड सर करता है, फाइल को नहीं सस्पेंड करता है वो ना, प्रोसेस को सस्पेंड करता है। प्रोसेस को सस्पेंड में डालना है किसको, फिर किसको कहाँ से रिज्यूम करना है, ये सब ना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है। फाइल को नहीं, हम यहाँ पर प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। फाइल सिस्टम तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक चैप्टर ही है, तीसरा कि पांचवा यूनिट है, ठीक है ना। तो हम अभी फाइल देखो बाबू, आपके प्रोग्राम के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं ना। तो आपका जैसे डेटाबेस होता है, तो एक आपका इंटायर डेटाबेस है। इंटायर डेटाबेस में ना आपका ये जो है ना, ये सब एक टेबल होता है, और एक टेबल के अंदर में आपका जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड होता है, और बहुत सारे टेबल और बहुत सारे रिकॉर्ड का कलेक्शन आपका एक फाइल होता है, ठीक है। तो वो अलग टॉपिक हो गया, वो इन्हांस्ड डेटाबेस वाला कंसेप्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग प्रोसेस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, प्रोसेस बोले तो प्रोग्राम का एक हिस्सा, एक्टिव प्रोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम प्रोसेस के बारे में, तो हम MTS के बारे में बात कर रहे हैं। MTS के बारे में मीटर सेलर का काम क्या है, तो यह ना सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग का काम करता है। सस्पेंडिंग और रिज्यूम, सर क्या बोल दिए सर, सस्पेंडिंग रिज्यूम, तो एक मिनट जरा जूम कर दूं। देखो कोई प्रोसेस आपका वेट कर रहा है, ठीक है ना, वेट या ब्लॉक स्थिति में है। किसी से भी अपने अपने जो किसकी खास रिक्वायरमेंट है उसके लिए अपना वेट कर रहा है, जो अपना रिक्वायरमेंट है उसके लिए वेट कर रहा है। तो अब इस प्रोसेस को जो वेट कर रहा है किसी खास चीज के लिए, अब उसको हमको सस्पेंड वेट में डालना है कि नहीं डालना है, अगर डाल दिए तो फिर उसको रिज्यूम करना है कि नहीं करना है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, MTS करता है। तो मिड टर्म शेड्यूलर आपका सस्पेंडिंग सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग रिज्यूम का काम करता है कि भैया हमको किसको सस्पेंडेड लिस्ट में डालना है, सस्पेंडेड वेट में डालना है, कि या आपका रिज्यूम करना है फिर यहीं से, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई। तो हमने देखा क्या कि LTS को हमने देखा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को देखा, और ये को देखा MTS को देखा, मिड टर्म शेड्यूलर। हाँ, तो देखिए आपका एक आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है जो बहुत ही हिट ऑब्जेक्टिव है, हालांकि आपको ना पूछेगा लेकिन कंपटीशन लेवल में पूछता है ये कि सस्पेंडेड वेट से क्या सस्पेंडेड रेडी में जाता है कि रेडी में जाता है। तो देखो फोटो से हम देखते हैं, तो ये तो हालांकि आंसर यहाँ पर है कि सस्पेंडेड वेट से ना सस्पेंडेड वर्ड है तो सस्पेंडेड रेडी में नहीं जाएगा, ठीक है ना, सस्पेंडेड रेडी में, लेकिन ओनली रेडी में नहीं जाएगा। देखो ना, ओनली रेडी में नहीं जाएगा, रास्ता है जाने का सस्पेंडेड रेडी में, लेकिन सस्पेंडेड वेट से रेडी में जाने का रास्ता नहीं है। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव कि सब सस्पेंडेड वेट से क्या सस्पेंडेड रेडी में जाया जा सकता है, हाँ जाया जा सकता है। क्या सस्पेंडेड सिर्फ और सिर्फ मतलब ओनली रेडी में जा सकता है, नहीं रेडी में नहीं जा सकते हैं क्योंकि रास्ता ही नहीं है, और लॉजिक भी हमको पता है, ठीक ना। चलिए कहाँ गया, तो देखो जो भी बातें मैं आपको बताया ना, उसमें से कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो देखो डरना नहीं है, अंग्रेजी लिखा हुआ है तो क्या हुआ, क्योंकि आपको एग्जाम में तो यही आपका साथ देगा। हिंदी में आप समझ रहे हो तो ट्रांसलेट करके जैसे लिखोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इसलिए लिखाता है ना कि सब अभ्यर्थी अपने ही शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दे, है ना। तो देखो इनिशियली, अब देखो हम फोटो नहीं दिखाएंगे, आप लोग खुद इमेजिन करना कि क्या कह रहा है, कि यानी शुरुआत में इनिशियली प्रोसेस विल बी इन द न्यू स्टेट, क्या सही है ना जी, कि शुरुआत में प्रोसेस आपका कौन से स्टेट में रहता है, द न्यू स्टेट में। इट मींस यानी इसका मतलब द प्रोसेस इज अंडर क्रिएशन और या प्रोसेस बींग क्रिएटेड, यानी या तो वो क्रिएशन हो रहा है या वो क्रिएट हो चुका है, और ये क्रिएशन कौन करता है बाबू, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म, हाँ, कौन करता है, एकदम बात सही है, आपने सही बोला कि न्यू में रहता है। अब अगला लाइन देखो कि व्हेनेवर द प्रोसेस इज क्रिएटेड इट विल बी मूव्ड ऑन द रेडी स्टेट, क्या है कि जब कभी भी आपका प्रोसेस क्रिएट किया गया हो तो इट विल बी यानी वो मूव कर दिया हो जाता है, मूव्ड ऑन द कहाँ पे, रेडी स्टेट में ना जी,
नहीं आप फोटो दिखा दे क्या, फिर से देखो। हालांकि पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, देखो यहाँ से थोड़ा आपका स्क्रीन उल्टा होगा, कोई बात नहीं मैनेज कर लो। देखो हाँ, न्यू से रेडी, ठीक है ना, यही ना जी, न्यू से रेडी जा रहा है। यस सर। दूसरा लाइन था ना। हाँ चलो, whenever the process is created it will be moved on the ready state, there will be multiple number of process. ready state में हम क्या बोले कि भैया कोई process तैयार है, कि just मैं जाने ही वाला हूँ CPU के अंदर में, यानी running करने ही वाला हूँ, running state में जाने वाला हूँ। तो क्या ready state में क्या एक वो process रहता है ready, कि बहुत सारे process ready रहता है? तो रेडी स्टेट में, मेरे रेडी स्टेट में भैया ये वो थोड़े रेडी रहेगा, जितना रेडी रहना जितना संभव है वो सब रेडी रहेगा। रेडी स्टेट में प्रोसेस वन भी वेट रह सकता है, प्रोसेस टू भी रह सकता है, प्रोसेस थ्री भी रह सकता है। तो यही कह रहे हैं कि रेडी स्टेट में ना आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि क्या रेडी स्टेट में मेरे प्रोसेस एक ही रह सकते हैं, कि मोर देन वन प्रोसेस रह सकते हैं रेडी स्टेट में, तो यानी रेडी वाले अवस्था में, रेडी वाले अवस्था। हाँ तो यही बात लिखे हुए हैं कि देयर विल बी मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। कहाँ पे? तो इन द रेडी स्टेट में। एक्चुअली कहाँ लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन द रेडी स्टेट होगा, ठीक है ना? आप लोग यहाँ पे रेडी स्टेट यानी रेडी स्टेट में मोर देन वन प्रोसेस रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, वन ऑफ द प्रोसेस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम रेडी स्टेट, यानी रेडी स्टेट में से कोई एक, यानी वन ऑफ देम, वन ऑफ द प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस को हम सेलेक्ट करते हैं रेडी स्टेट से, एंड दैट विल बी डिस्पैच्ड। डिस्पैच्ड मतलब होता है क्या, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो, तो वहां पर जब वहां से उसको ट्रैक करोगे ना, तो लिखा रहता है कि योर क्या बोलते हो उसको, कुरियर विल बी, कुरियर इज डिस्पैच्ड, है ना? डिस्पैच्ड मतलब यहाँ से निकल गया है ना जी? आप लोग सुने हैं ना डिस्पैच मतलब क्या होता है? यस सर। हाँ वही है डिस्पैच्ड। तो आप हाँ, तो यही है आपका कि वन ऑफ द प्रोसेस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रेडी स्टेट, यानी रेडी स्टेट में से हम एक प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस जो तैयार बैठे रहते हैं कि भैया अब मैं तैयार ही हूँ, बस मुझे सीपीयू दे दो, मैं रन कर जाऊंगा, रनिंग स्टेट पर पहुंच जाऊंगा। तो उसमें से किसी एक को चुनते हैं और उस दैट विल बी डिस्पैच्ड विल बी ऑन द दैट विल बी डिस्पैच्ड ई विल बी ना होगा ऑन द रनिंग स्टेट, ठीक है ना? अब वहां से वो देखो यहाँ पर था न्यू, था न्यू, ये था आपका रेडी और ये था आपका रनिंग। तो देखो यहाँ से रेडी में से एगो को चुनते हैं और उसको उसको हमने रन में भेज देते थे, वही है दैट विल बी डिस्पैच्ड ऑन द रनिंग स्टेट। जो बातें मैं समझाया ना उसी का अंग्रेजी में, ताकि आप लोग जब रिविजन करो तो कोई दिक्कत ना हो। अब देखो इसको देखो कि इन द रनिंग स्टेट देयर विल बी ओनली वन प्रोसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोले थे, समझाया था ना आपका कि भैया आपका कंप्यूटर में आपको लगता होगा कि एक ही टाइम में बहुत काम करता है, एक्चुअली नहीं, एक ही टाइम में वो एक ही टाइम को काम को करता है एक समय में, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, बस ये है कि वो इतना फास्ट करता है एक समय एक काम को कि हमको लगता है कि भैया एक सेकंड में ना वो 50 वो काम कर देता है, ठीक है? तो वही बात लिखे हुए हैं कि उस कि इन द रनिंग स्टेट यानी रन करते हुए रन करते वक्त दे स्टेट देयर विल बी ओनली वन प्रोसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक खास समय में आपका रनिंग स्टेट में क्या गो प्रोसेस रनिंग स्टेट में रहेगा जी? एक ही रहेगा रनिंग स्टेट में, मेरा एक ही प्रोसेस स्टेट उस स्टेट में रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इस लाइन को देखो क्या लिखे हुए हैं, when the process in the running state it occupies the cpu, yani jab process aapka running state mein rehta hai, jab process matlab process running state mein rehta hai, yani occupy matlab chhape hue rehta hai, occupy the cpu, wo cpu ko occupy karta hai, swabhavik hai ki bhaiya koi cheez ko hum bolte hain running state mein, yani active state mein, yani wo cpu us pe kaam kar raha hai, and the executing construction of the process and performing the cpu time, matlab wo cpu का एक्सिक्यूट कर रहा है, सीपीयू उस पर काम कर रहा है, और जितना टाइम तक उस पर काम करेगा ना उसी को बोलते हैं, जितना टाइम तक सीपीयू चलता रहता है ना एक्टिव काम में, यानी वेट करने के अलावा
वो किसी काम पर बिजी रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सीपी टास्क, सीपीयू टाइम बोलते हैं, परफॉर्मिंग सीपीयू टाइम। कोई ऐसा ऐसे में कोई घरवाने वाली बात नहीं है, एक्स्ट्रा कोई शब्द है सीपीयू टाइम की, उसको बोलते हैं तो सीपीयू टाइम हम उसको बोलते हैं कि कोई सीपीयू किसी काम को अपना एक्सक्यूट करते रहता है, उसी को हम सीपीयू टाइम बोलते हैं, जितना टाइम तक उस काम को करते रहता है। देखो इस लाइन को देखो, इफ द रनिंग प्रोसेस रिक देखो इफ द रनिंग प्रोसेस रिक्वायर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इट विल बी मूव ऑन द ब्लॉक और वेट स्टेट। यही बात है ना कि जब कोई आपका प्रोसेस रन करते रहता है, अगर उसको जरूरत पड़ गई, रिक्वायर मतलब जरूरत पड़ जाना, रिक्वायर पड़ गई किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की या किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने की, तो इट विल बी मूव्ड ऑन द ब्लॉक या वेट स्टेट। ये फिगर में आप लोग को इमेजिन कर इमेजिन आ रहा है ना जी माइंड में यस सर। कि क्या है ना, कि देखो कि जब कभी भी आपका प्रोसेस जो है आपका, देखो ये आपका न्यू है, ये आपका रेडी है, ये आपका रनिंग है, जब कभी आपका रनिंग करते रहता है अगर इसको किसी खास चीज की जरूरत पड़ गई तो वो कहाँ चला जाता है, वेट चलाता है ना जी, ताकि भैया उसको जब जरूरत पड़ेगा उसको वेट, या इसी को बोलते हैं ब्लॉक, यानी रनिंग करते वक्त उसको किसी खास चीज की जरूरत पड़ गई यानी रिक्वायरमेंट हो गई तो वो वेट या ब्लॉक की स्थिति पहुंच जाता है। यही बात लिखा हुआ है इसमें। देखो इफ द रनिंग प्रोसेस रिक्वायर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इट विल बी मूव ऑन द ऑन टू द ब्लॉक या वेट स्टेट, है कि नहीं है। अब देखो अगला फोटो देखते हैं, इन द वेट स्टेट आल्सो देयर विल बी मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस, इट मींस मल्टीपल प्रोसेस विल बी परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। यही बात है आपको जो हम बताए थे कि वेट करते रहता है, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़े हो कि वो वेट करते रहे सर, इस वेट अवस्था में, देखो ये वेट परिस्थिति में वहां पर P1 भी हो सकता है वेट करता रहे किसी चीज का, P2 भी वेट करते रहे किसी चीज का, P3 भी वेट करते रहे किसी चीज का, P2 भी वेट, P4 भी वेट करते रहे किसी चीज का, तो इसी बात को अंग्रेजी में लिखा गया है। देखो इसको वही बात है कि जो इन द वेट स्टेट यानी वेट वाले स्थिति में ऑल्सो ये भी होता है, देयर विल बी मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस, वहां पर होगा मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस, इट मीन्स इसका मतलब मल्टीपल प्रोसेस विल परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। एक ही साथ हो सकता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत सारे प्रोसेस एक साथ ही करते हो, यानी कि भैया ये कहने की कोशिश कर रहा है ना कि भाई उस प्रोसेस वेट मतलब कौन सा स्टेट, तो वेट या ब्लॉक वाली स्थिति में हो सकता है कि P1 भी आपका, P2 भी आपका, P3 भी वेट करता रहे, और ये किस ये वेट करता रहे, और हो सकता है कि ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली कर सकता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली बोले तो। देखो आपका एक एग्जाम्पल बताते हैं, रुक जाओ। देखो एक हो गया, दो गो हो गया, एक टाइम है आपका, तो एक टाइम होता है आपका सीपीयू टाइम, देखो एक टाइम है आपका सीपीयू टाइम और एक होता है आपका इनपुट आउटपुट टाइम। तो देखो ये क्या होता है ना कि जब सीपीयू किसी काम में जितना समय तक बिजी रहता है काम करने में, तो उस समय को बोलते हैं सीपीयू टाइम, और एक होता है इनपुट आउटपुट बाउंड टाइम। तो ये जब कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस जितना समय तक काम करते रहता है, यानी कोई अगर मान लो प्रोसेस P1 है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस पर 5 सेकंड तक काम किया, और P2 है तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस पर 10 सेकंड तक काम किया, तो इस प्रकार के टाइम को क्या बोलते हैं, अगर इनपुट आउटपुट टाइम डिवाइस से रिलेटेड है तो उसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट टाइम या इनपुट आउटपुट बाउंड बोलते हैं। जस्ट 1 सेकंड के बाद ये अगले क्लास में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर उसका कंसेप्ट नहीं है, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि वेट वाले स्थिति में मल्टीपल प्रोसेस विल परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, और ये छोटी मोटी भाषा में उसको ध्यान में रखो कि वेट स्टेट में वहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस रहेंगे, जो आपको फोटो से क्लियर किया ना जी। कि भैया आप एक लॉजिक बताओ हमको, एक लॉजिक बताओ कि देखो दो प्रोसेस हो गया, तीन प्रोसेस हो गया, चार, एक पाँच, ये आपका है न्यू, ये आपका रेडी, ये आपका रनिंग, ठीक है, या वेट है, वेट वाले स्थिति, तो वेट करते रहे तो आप लॉजिक हमको बताओ कि वेट वाले स्थिति में स्टेट में क्या एक ही प्रोसेस वेट कर सकता है जी, कि मोर देन वन नो प्रोसेस सर, वेट कर सकता है, मोर देन वन, मोर देन वन। तो वही है, उसी बात को लिखा गया है
कि मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ ना वेट कर सकते रहता है, और क्यों वेट करते रहेगा, तो सीपीयू किसी किसी खास रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड कर रहेगा, और तब तक वो इनपुट आउटपुट अपना काम करता रहेगा साइमल्टेनियसली। ठीक, अगला देखते हैं, जो अगला देखो, डबल स्टार लगाए हैं उसका मतलब कुछ खास ही होगा, क्या है कि भैया कि व्हेन द प्रोसेस इज इन द रेडी रनिंग एंड वेट स्टेट इट रेसिडिंग इन द मेन मेमोरी। कहने का मतलब तीन गो स्टेट जो आपका कौन कौन, पहला रेडी, दूसरा रनिंग एंड तीसरा वेट, यानी तीनों स्टेट, ये तीनों स्टेट कहाँ है, कहाँ रहता है आपका, ये तीनों स्टेट कहाँ पर रहेगा भैया, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में, हाँ मेन मेमोरी में, हाँ। तो ये आपका मेन मेमोरी में कौन कौन से स्टेट रहते हैं, रेडी, रनिंग एंड वेट स्टेट, ठीक है ना। तो एक बात बताते हैं, फिर से इसको दिखा देते हैं, एक मिनट, आर आर डब्ल्यू, हाँ एकदम सही कर रहे हैं। और देखो वो एगो दो गो और तीन गो, एक्चुअली दिख गया छोटा, ये सब आपका किसके अंदर रहेगा, तो आपका रहेगा आपका मेन मेमोरी में। चलिए अब लगता है हो ही गया, टाइम कितना हुआ है, 2:13 अच्छा चलो आज के लिए छोड़ देते हैं इतना ही, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको देखो, हाँ इसको दिखाते हैं कि देखो क्या लिखा हुआ है, कि क्या इफ द रिसोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन द प्रोसेस इन द रेडी स्टेट, देन सम ऑफ द प्रोसेस विल बी सस्पेंडेड एंड दे विल बी मूव टू द सस्पेंडेड रेडी स्टेट। तो ये यही कह रहा है ना, आपको कुछ कह नहीं रहा है, यही कह रहा है कि जब कोई रिसोर्सेज अगर कम पड़ गया हमको, देखो यहाँ पे एक मिनट ना हो रहा है, यहीं पर देखो, देखो कोई अगर रिसोर्सेज रनिंग करते रहता है, ठीक है ना, कोई प्रोसेस आपका रनिंग करते रहा, इसको किसी खास समय पे किसी चीज़ की जरूरत पड़ गई, यानी किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ गई, तो ये रनिंग से कहाँ चला जाएगा, वेट स्थिति में भैया, जब तक मेरा रिक्वायरमेंट पूरा ना होगा, जब तक मेरा रिक्वायरमेंट पूरा ना होगा तब तक हम अपना चल जाएंगे वेट स्थिति में। और वेट वाले कंडीशन में भी क्या होता है कि पता चला हमको ऑपरेटिंग सिस्टम को या शेड्यूलर को कि भाई साहब ये जो आप फलना चीज के लिए वेट कर रहे हो ना, मान लो किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हो, मान लो इस रिसोर्स नाम है आपका आर, इसका जो वेट कर रहे हो इसका ना आपका फुलफिलमेंट यानी इसकी डिमांड पूरी काफी लंबे समय के बाद होगी, तो फिर वहां से वो वेट में चला जाएगा। हाँ यही आपको इसी लाइन को वहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग देखें अब जो है ना अगले क्लास में ना वो सिग्लर के बारे में लिख देंगे, जो सिग्लर के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए हैं, उसके बारे में लिखा हुआ चीज है, बस वो लिखा हुआ चीज आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे मैंने बताया वही बात लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ताकि रिविजन करते वक्त ध्यान में रहे, ठीक। तो रहने देते हैं आज के लिए, वैसे